नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं एक बेहतरीन चैलेंज वाला वीडियो में। जी हां दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो पूरा चैलेंज पर आधारित है और ये चैलेंज सभी लोगों के लिए है। ध्यान दीजिएगा, इसमें मैं आपको बताऊंगा, दो प्रश्न आपको दूंगा और दोनों ही प्रश्नों के उत्तर आप लोग करके देखिएगा, क्योंकि ये जो टोटल चैलेंज वाला काम है ना, पूरा करके देखने वाला है। इसके लिए आवश्यक है वीडियो को पूरा देखिएगा और हाँ, इसका तरीका आप सीखना चाहते हैं तब भी इस वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में एक रहस्य छुपा हुआ है और इसको हल करने का एक विशेष तरीका भी है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो देखिए, आपके पास एक चैलेंज ये है कि आपको एक चित्र दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, चित्र दिया जाएगा, उस चित्र को आपको बनाना होगा, लेकिन आप पेन को एक बार रख दिए तो पेन को उठाना नहीं है और उस चित्र को आपको बनाना है। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, जैसे यहां पर मैं एक चित्र बना रहा हूं, देखिए अभी मैं पेन को नहीं उठा रहा हूं, आप देख रहे हैं, लेकिन आपको इस जो चित्र है, जो मैं आपको चित्र बना के बता रहा हूं, इस चित्र को पेन को बिना उठाए बनाना होगा। तो क्या आप इस प्रकार के चित्र को बना सकते हैं बिना पेन को उठाए? देखिए ये हो गया। देखिए अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर इतना चित्र तो मैंने बना लिया, लेकिन भाई मुझे क्या करना है, यहां पर भी लाइन खींचना है। तो यहां पर लाइन खींचने के लिए मैंने पेन को उठाया, लेकिन आपको इसी चित्र को बिना पेन को उठाए बनाना है। जी हाँ दोस्तों, ना तो आपको पेन को उठाना है और ना ही किसी भी लाइन में डबल चलना है। इस शर्त के आधार पर आपको इस चित्र को बनाना है, बिना पेन को उठाए बनाना है। हाँ बिल्कुल, आपको पेन को उठाना नहीं है और इस चित्र को बनाना है। ध्यान दीजिए, क्या इस चित्र को हम इसी प्रकार, इस प्रकार के जो हमें बोर्ड दिया जाए, है ना, कोई लकड़ी का बोर्ड या फिर ब्लैक बोर्ड में, तो क्या इस प्रकार का संभव है कि हम इस प्रकार के बोर्ड में इस चित्र को बना सकें? और यदि संभव है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यहां पर हम कहां से प्रारंभ करेंगे और कहां पर खत्म करेंगे कि ये चित्र जो है पूरा बन सके। दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, मैं आपको वो चीज बताने वाला हूं जिसके माध्यम से आप इस चित्र को बना सकते हैं। लेकिन क्या इस चित्र को हम इसी प्रकार बोर्ड में बना सकते हैं या नहीं बना सकते, वो भी आप इस वीडियो के माध्यम से जान पाएंगे। और एक चैलेंज मैं और देने वाला हूं। जी हां दोस्तों, एक चैलेंज तो ये हो गया और एक चैलेंज और है। देखिए आपके सामने मैं यहां एक और चित्र बना रहा हूं, इस चित्र को भी आपको पेन को उठाना नहीं है और बनाना है। यहां पर भी इस चित्र को मैं बोर्ड पे ही बना रहा हूं। वो चित्र कौन सा, ध्यान दीजिएगा, आपको क्या बनाना है, एक वृत्त बनाना है। देखिए मैंने वृत्त तो बना लिया, इसको बिना पेन को उठाया बनाया है, लेकिन यहां पर आपका एक बिंदु भी रहना चाहिए, केंद्र बिंदु भी रहना चाहिए। तो जैसे मैंने वृत्त बनाया और बिंदु बनाने के लिए मैंने पेन को उठाया, तो ये दोनों चित्र, क्या संभव है कि हम इस प्रकार के चित्र को पेन को बिना उठाए बना सकते हैं? हाँ, इस प्रकार के चित्र को यदि आपको बोर्ड में बनाने के लिए कहा जाए तो क्या आप इस प्रकार बना सकते हैं पेन को बिना उठाए? और हाँ, यदि इसी चित्र को आप घर में हैं तो कागज में बनाकर जरूर देखिएगा, हो सकता है जब आप कागज में बनाएं तो आप लोगों से बन जाए, क्योंकि मैं तो यहां पर बोर्ड पे बना रहा हूं। तो निश्चित रूप से आप लोग कागज पे बनाकर जरूर देखिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों से जब आपने कागज में बनाया तो आपसे बना कि नहीं बना। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार के चित्र को बनाने के लिए आप बहुत प्रयास कर सकते हैं। तो क्या यह संभव है? तो पहले मैं बोर्ड पे कोशिश कर रहा हूं, उसके बाद मैं भी कागज में आपके सामने बनाकर दिखाऊंगा और बनाने का प्रयास करूंगा कि वास्तव में यह बोर्ड में बनता है कि नहीं बनता है और कागज में बनता है कि नहीं बनता है। तो चलिए पहले हम भी इसको बोर्ड में बनाने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, इसको बहुत प्रकार से हम बनाने का प्रयास करेंगे। तो अभी जो मैंने चित्र बनाया था उसमें मैंने क्या किया था, पहले एक चतुर्भुज बनाया था, अब हम चतुर्भुज नहीं बनाएंगे। हम क्या करेंगे, यहां से स्टार्ट करते हैं और ध्यान दीजिए, हम चतुर्भुज पहले नहीं बना रहे हैं। ये देखिए, हम चतुर्भुज नहीं बना रहे हैं, इस प्रकार का हमने शेप बनाया और अभी तक हमने कहीं पर भी पेन को नहीं उठाया है, देख सकते हैं। और हम चित्र को बनाते जा रहे हैं, अभी तक हमने यहां पर पेन को नहीं उठाया है, देखिए, ठीक है। यहां पर हमने आकृति बनाया, यहां पर आकृति बनाया, अब हम क्या करेंगे, यहां से यहां पे आ जाते हैं और यहां से आकृति को ऐसे बनाते हैं। अब ध्यान दीजिए, एक आकृति छूट गया, अब हमें क्या करना है, कहीं पर भी डबल चलाना भी नहीं भाई, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है, कहीं पर भी डबल नहीं चलाना है और पेन को उठाना नहीं है, ठीक है। तो ये वाला आकृति तो नहीं बना, क्योंकि यहां पर हम आएंगे तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, पेन को उठाना पड़ेगा, तो ये तो नहीं बन पाएगा, तो इसको फिर से हम मिटा देते हैं। ऐसा करते हैं कि हम बाहर की आकृति को पहले बनाते हैं, जैसे हम बाहर की आकृति को पहले बनाते हैं, देखिए हमने ये वाला बाहर की आकृति पहले बनाया, फिर ये वाला बनाया, फिर ये वाला बनाया, फिर ये वाला बनाया, ठीक है।
अभी तक हमने क्या नहीं किया है, पेन को नहीं उठाया है। अब यहां पर आए, फिर यहां पर आए, फिर यहां पर आए, फिर यहां पर आए, तो यहां पर भी एक आकृति और छूट गया, ये भी गड़बड़ हो रहा है। तो और कोशिश करते हैं, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ध्यान दीजिए, मैंने आपको संकेत तो दिया है ना, लेकिन आप बना सकते हैं तो जरूर बनाइएगा। मैं बोर्ड पे बना रहा हूं, आपको कागज भी बनाना है, और कागज में मैं भी बनाऊंगा, ठीक है। अब ये देखिए, अगर ऐसे में नहीं बना तो हम क्या करेंगे, इस प्रकार का डमरू बना लेते हैं। हमने डमरू बना लिया, डमरू को इस प्रकार पूरा किया, फिर इस प्रकार पूरा किया, फिर इस प्रकार पूरा किया, और फिर इस प्रकार पूरा किया। अब यहां से हम इधर और आ सकते हैं, फिर भी यही बच रहा है। कुल मिला के हमसे अभी तक हमने जितने प्रयास किए हैं उससे बन तो नहीं रहा है, हो सकता है कोई और तरीका हो। तो चलो हम क्या करते हैं, यहां पर चतुर्भुज बनाते हैं। पहले हमने चतुर्भुज बनाया और एक लाइन पहले से खींच दिया, हो सकता है, और जहां पे गड़बड़ी हो रहा था वही को पूरा करते हैं। जैसे यहां पर छूट रहा था ना, तो देखिए अभी तक हमने यहां पर चित्र बनाया तो हमने पेन को नहीं उठाया, समझो हम यहां पर आए थे, हमने अभी तक पेन को नहीं उठाया है। अब हम इस वाले आकृति को पहले बनाते हैं, ठीक है, हो सकता है इससे बन जाए। अब यहां पर आएंगे, ठीक है, अब यहां पर आएंगे और यहां से हम यहां चले जाते हैं, ठीक है भाई। लेकिन ऐसा करने से हमारा पेन उठना नहीं चाहिए और किसी भी लाइन में डबल नहीं चलना है, तो यहां पर फिर छूट गया। तो कुल मिला के ये आकृति तो अभी तक नहीं बन पा रहा है, जब इसको हम बोर्ड में बना रहे हैं तब। अब इसी प्रकार के आकृति को, जो मैंने दूसरा आकृति बनाया था, उसको हम कैसे बनाएंगे। दोस्तों इस चित्र को आप कागज में बनाकर जरूर देखिए, मैं बार बार आपको हिंट दे रहा हूं, कागज में हो सकता है बन जाए। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, दूसरा जो चित्र है उसको हमें बनाना था इस प्रकार, गोला बनाना है और बीच में बिंदी, तो मैं पेन को नहीं उठाऊंगा और बिंदी बनाने का कोशिश करूंगा, तो इस प्रकार का चित्र बन जाएगा। जबकि मैंने बोला था इस प्रकार का चित्र बनाना है, तो क्या यह चित्र सही है, बिल्कुल गलत है, ये तो संभव नहीं है। फिर क्या करते हैं, मान लीजिए हमें यह कहा जाए, पहले बिंदी को बनाते हैं, फिर यहां से हम चालू करते हैं गोला, तो ऐसे करके ऐसे गोला बनाएंगे, तो यहां पर भी यह चित्र नहीं बन रहा है। तो इस चित्र को हम कैसे बनाएंगे फिर। अब चलो दोनों चित्र को हम बनाने का प्रयास करते हैं। यहां पर देखिए, यदि हम कागज से बनाए, मैंने आपको बार बार बोला है कि यदि इस चित्र को हम कागज में बनाने का प्रयास करें तो हो सकता है आपका जो प्रश्न है उसका उत्तर आपको मिल जाए। जी दोस्तों, इस चित्र को आप बहुत आसानी से कागज में तो बना सकते हैं, लेकिन किसी बोर्ड में, ब्लैक बोर्ड में, ग्रीन बोर्ड में, किसी प्रकार के भी बोर्ड में, मतलब जो ठोस चीज है या टाइल्स है, उसमें आप इस प्रकार के चित्र को शायद नहीं बना पाएंगे, क्योंकि ये बनता ही नहीं है। लेकिन कागज में आप शायद प्रयास करें तो बन जाए। अब आप ये सोच रहे होंगे कागज और बोर्ड में क्या अंतर है, भाई ये कागज है जिसको हम क्या कर सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन कैसे इसको हम चित्र बनाएंगे। अगर इसी पर मैं चित्र बनाने का कोशिश करूं, कई लोग बोल रहे हैं पेपर में कैसे बन जाएगा, कागज में कैसे बन जाएगा, तो आप इस प्रकार बनाने का प्रयास करेंगे ना, ये कागज है, ये देखिए मैंने कागज लिया और कागज में मैंने चित्र को बनाने का प्रयास किया, ये देखिए, और मैंने अभी तक पेन को नहीं उठाया है और ये मैंने चित्र बना दिया, ये देखिए यहां पर भी बना दिया और यहां पर भी बना दिया, ठीक है, और यहां पर, तो भाई कागज में भी नहीं बन रहा है। तो भाई कागज में ऐसे नहीं बनाना है, कागज में कैसे बनाना है ध्यान दीजिएगा। ये मैंने कोई भी कागज ले लिया, चलिए मैं आपके सामने कागज ले रहा हूं, ये देखिए मैंने कागज ले लिया। अब इस कागज में मुझे चित्र को बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, इस कागज को पहले तो ऐसे मोड़ूंगा और हल्का से मैं और मोड़ दूंगा, ध्यान दीजिएगा, हल्का से और मोड़ दूंगा। ऐसा मोड़ने के बाद, ध्यान दीजिएगा, ऐसा मोड़ने के बाद, ये हमने मोड़ दिया, उसके बाद एक भाग को हम सीधा कर देंगे, ठीक है, इस प्रकार हम क्या कर देंगे, सीधा कर देंगे। अब इसी भाग पर हमें चित्र बनाना है, ध्यान दीजिएगा, इसी भाग पर हम चित्र बनाएंगे, लेकिन वो चित्र कैसे बनेगा, आपको पेपर को क्या नहीं करना है, मतलब पेन को नहीं उठाना है, पेपर को हमने केवल फोल्ड किया है और पेन को हम बिल्कुल भी नहीं उठाएंगे। देखिए आपके सामने ही मैं चित्र बना रहा हूं, देखिए मैं पेन को यहां पर रख रहा हूं, ध्यान दीजिए मैं यहां पर रख रहा हूं और यहां से मैं चला रहा हूं, ठीक है, ये मैंने चलाया पहला भाग, तो मैंने यहां से चला दिया, ठीक है, और मैं पेन को बिल्कुल भी नहीं उठाऊंगा भाई। अब मैं कागज को क्या कर रहा हूं, सीधा कर रहा हूं, तो आपने देखा कि मैं पेन को तो अभी तक नहीं उठाया हूं। अब मैं दूसरा यहां से चलाऊंगा, इधर चलाऊंगा, ये देखिए मैंने चला दिया, फिर मैं यहां से चलाऊंगा, ये मैंने भी चला दिया, अब मैं क्या करूंगा, यहां से चलाऊंगा और यहां से चलाऊंगा, फिर क्या करूंगा, यहां से मैं चला देता हूं ऐसे उल्टा, ठीक है, यहां तक जाएगा। अब देखो पेन को मैंने अभी तक नहीं उठाया है, ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहां तक जाऊंगा, ठीक है, फिर क्या करूंगा, यहां जाऊंगा, अब अभी तक मैंने पेन को नहीं उठाया, फिर मैं यहां पे आऊंगा
और यहां से मैं यहां पर जाऊंगा। ये देखिए दोस्तों, कागज में इस आकृति को हमने बहुत ही आसानी से बना लिया। आप लोगों ने निश्चित रूप से देखा कि कागज में हमने जब बनाया तो एक ट्रिक का प्रयोग किया, हमने कागज को मोड़ा, है ना। कैसे मोड़े थे? इस प्रकार मोड़े थे, ठीक है। और आपने देखा कि हमने बना लिया। अब इसीलिए मैं बार बार बोल रहा था कि आपको कागज में बनाकर देखना है। और आपने अगर कागज में बना लिया है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस चित्र को आपने कैसे बनाया। और दूसरा चित्र और था जिसको मुझे बनाना था इस प्रकार, तो इस प्रकार के चित्र को हम कैसे बनाएंगे? तो भाई, इस चित्र को बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। ये जो कागज जिसमें आप चित्र को बनाएंगे, ठीक है, उस कागज को आपको क्या कर लेना है? हल्का से फोल्ड कर लेना है। क्या कर लेना है? हल्का से फोल्ड कर लेना है। और फोल्ड करने के बाद इस चित्र को आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। और कैसे बनाएंगे वो ध्यान से देखिएगा। आपको क्या करना है, कहीं से भी आप क्या करिए, जैसे आपने यहां से बिंदी बनाया तो आपको यहां पर बिंदी तो ले लेना है। जैसे उदाहरण के लिए मैं यहां से बिंदी बनाऊंगा, ठीक है, मैं यहां से बना रहा हूं बिंदी, ठीक है, ये मैंने चलाया। अब देखिए, मैं पेन को नहीं उठाऊंगा और मैं क्या करूंगा, इधर से इधर जाऊंगा, यहां पर कहीं पर भी जाऊंगा, इस कोने पर आऊंगा। अब मैंने पेन को तो नहीं उठाया लेकिन कागज को हटा दिया, कागज को हटा दिया, और यहां से मैं क्या कर दूंगा, इस प्रकार का गोल आकृति बना दूंगा, जिससे हमारा आकृति बन गया और हमने पेन को बिल्कुल भी नहीं उठाया। तो निश्चित रूप से आपने देखा कि मैंने दोनों ही आकृति बहुत ही आसानी से बना दिया। और निश्चित रूप से आप भी अगर कागज में प्रयास किए होंगे तो इस आकृति को निश्चित रूप से बनाकर देखे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर जरूर करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और आल को टच कर दीजिएगा। और गणित के ऐसे ही बेहतरीन वीडियो देखना चाहते हैं तो बगल में दो वीडियो दिखाई दे रहा है, किसी वीडियो को क्लिक कीजिएगा और शानदार वीडियो का आनंद लीजिएगा। दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।